नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसलटेंट नैनेश जोशी आपका स्वागत करता हूं हमारे फ्यूचर गुरु चैनल में। आज मैं आपको जो बताऊंगा बातें, ये शायद आपको रोजमर्रा की चीजों में काम आने वाली है। क्या आप जानते हो आपका टेंपल कैसे होना चाहिए? यदि आप अपने घर पे टेंपल रखते हो तो उसको ऑलवेज ईस्ट की वॉल पे रखिएगा और वेस्ट के वॉल पे रख सकते हो। उसको आप नॉर्थ ईस्ट वॉल पे भी रख सकते हैं और मैक्सिमम यदि आपको नॉर्थ ईस्ट वॉल नहीं मिल रही है तो उसको आपको साउथ के वॉल पे रख के नॉर्थ को फेसिंग करना है। पर कभी भी आपके टेंपल का फेसिंग साउथ में न हो, इसका आपको ध्यान रखना है। अन्यथा आप जो भी वर्शिप कर रहे हो वो राक्षसों तक पहुंचती है, न कि भगवानों तक पहुंचती है। इसके लिए आपका कभी भी सबसे बेस्ट है कि आप ईशान की तरफ अपने भगवान को रखें, जिससे आपका फेस ईस्ट और नॉर्थ की तरफ हो। आप जो भी भगवान की वर्शिप कर रहे हो तो आपका फेस ऑलवेज ईस्ट में हो, ज्यादा बेटर माना जाएगा। उगते सूरज को हम नमस्कार करेंगे तो अपने जीवन में भी अपना भाग्य उगते रहेगा। आज मैं आपको जो बताऊंगा बातें, ये शायद आपको रोजमर्रा की चीजों में काम आने वाली है। क्या आप जानते हो आपका टेंपल कैसे होना चाहिए? यदि आप अपने घर पे टेंपल रखते हो तो उसको ऑलवेज ईस्ट की वॉल पे रखिएगा और वेस्ट के वॉल पे रख सकते हो। उसको आप नॉर्थ ईस्ट वॉल पे भी रख सकते हैं और मैक्सिमम यदि आपको नॉर्थ ईस्ट वॉल नहीं मिल रही है तो उसको आपको साउथ के वॉल पे रख के नॉर्थ को फेसिंग करना है। पर कभी भी आपके टेंपल का फेसिंग साउथ में न हो, इसका आपको ध्यान रखना है। अन्यथा आप जो भी वर्शिप कर रहे हो वो राक्षसों तक पहुंचती है, न कि भगवानों तक पहुंचती है। इसके लिए आपका कभी भी सबसे बेस्ट है कि आप ईशान की तरफ अपने भगवान को रखें, जिससे आपका फेस ईस्ट और नॉर्थ की तरफ हो। आप जो भी भगवान की वर्शिप कर रहे हो तो आपका फेस ऑलवेज ईस्ट में हो, ज्यादा बेटर माना जाएगा। उगते सूरज को हम नमस्कार करेंगे तो अपने जीवन में भी अपना भाग्य उगते रहेगा। अब जानते हैं और आगे की बातें। आपके घर पे आपको घड़ी रखना और कैलेंडर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो क्या आप जानते हो कि इसकी दिशा कौन सी होनी चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। यदि आप अपने घर पे घड़ी रखते हो तो इसको हमेशा ईस्ट वॉल पे, नॉर्थ वॉल पे और वेस्ट वॉल पे होनी चाहिए। ये घड़ी सदैव आपके जीवन में प्रगति लेके आएगी, क्योंकि जब भी घड़ी बदलती होती है वो गतिमान होती है तो आपके भाग्य में भी गति आ जाती है। पर कभी भी आपके घर की घड़ी बंद नहीं हो। यदि वो बंद रहेगी तो भाग्य कहीं न कहीं रुका हुआ रहेगा, कार्य कहीं न कहीं अटक जाएंगे। और उसी के साथ यदि कैलेंडर भी आपको अपने घर पे रखना है तो इसको ईस्ट पे रखिएगा, क्योंकि आपका जो भी डेट्स हैं वो डेट्स हमेशा फिक्स होनी चाहिए। जो इवेंट आप फाइनल करते हो वो इवेंट फिक्स होनी चाहिए। यदि उसको आपने वेस्ट में रखा या साउथ में रखा तो आप प्लानिंग तो करते रह जाओगे पर काम नहीं बनेंगे। और दूसरी बात, आपके घर पे आप बाहर से आते हो तो कई लोगों को आदत होती है कि वो चप्पल लेके सीधा अंदर आ जाते हैं। कोशिश करिएगा कि आप अपने घर के अंदर चप्पल ना लाए। कोई पायदान आप रख सकते हो, उससे वो चप्पल क्लीन कर लीजिएगा और उसके बाद ही वो घर के अंदर लाके रख सकते हो। यदि बाहर कोई जगह ना हो तो अपने घर के अंदर ऐसे स्थान पे रखें जहाँ पे आपकी दृष्टि और आने वाले आगंतुक मतलब आपके मेहमानों की दृष्टि ना पड़े, अन्यथा घर पे संकट भी आ सकता है। अब आगे एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा बहुत लोगों को आदत होती है कि अपने पुराने कपड़े वो जमा करके रखते हैं। कोई लोग तो पुराने बर्तन जमा करके रखते हैं, फटे हुए जूते चप्पल भी रख देते हैं। आलस हो जाता है कि इसको बाद में किसी को दिया जाए, पर ये बहुत ही गलत आदत है। यदि आप अपने घर पे फटे कपड़े रखते हो या फटे जूते चप्पल जमा करके रखते हो तो आपको सदैव कुछ न कुछ ऐसे संकट आएंगे जिसमें आपका काम रुकते हुए होगा। आपने देखा होगा कभी कभार आपके ऊपर शारीरिक पीड़ाएं आती है। बहुत लोगों को आदत होती है कि फटी हुई चीजें वापस वापस सिल के पहने। देखिए लक्ष्मी है ना, इसको आकर्षण बहुत पसंद है। क्या आपको किसी ऐसे व्यक्ति को देख के आकर्षण लगेगा जो फटे हुए वस्त्र पहनता है? तो आप लक्ष्मी जी के भी ध्यान रखिए। तो आप लक्ष्मी जी के बारे में भी समझ लीजिएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी ऐसे घर पे नहीं टिकती है।
कई लोग अपने घर पे कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है इसको भी बंद रख देते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक चीजों में आपके शुक्र देवता बैठे होते हैं, क्योंकि आप कोई भी ऐसी चीज, कई लोग मोबाइल ले लेते हैं यूज नहीं कर पाते तो उसको वैसे ही रख देते हैं, आप हो सके तो उसको या तो रिपेयर कर लीजिएगा या किसी व्यक्ति को दे दीजिएगा जो उसको रिपेयर करके यूज कर सके, पर कोई भी यंत्र जो बंद पड़ा हुआ है वो अपने घर पे नहीं रखे, क्योंकि मोबाइल हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ये शनि को भी प्रकट। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में साक्षात शनि भगवान बैठे हैं, इसके लिए आप हो सके जितना इनको रिपेयर करके यूज करें या किसी को दे दें। आपके घर पे बर्तन कभी भी टूटे हुए, कटे हुए, फूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम लोग कई बार बर्तन टूटे फूटे रख देते हैं, सोचते हैं कि इसको सही करवा लेंगे या हो सके तो इसका कुछ न कुछ उपयोग कर लेंगे, पर नहीं रखना है। आपको ये बर्तन अपने घर से जितने जल्द निकालने हो सकते हैं निकाल दीजिएगा। घर के कर्ता पुरुष, जो भी आपके घर पे कर्ता पुरुष होते हैं, उनको हमेशा अपने घर में बैठते समय पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा मुंह करके बैठना चाहिए, अन्यथा उस घर में कर्ता पुरुष का कभी भी स्थान स्थिर नहीं होता है। तो ये वास्तु संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इनका आप ध्यान रखोगे तो वास्तु में सुख रहेगा, वैभव रहेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा और घर में शांति बनी रहेगी।